देश भर में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बढ़ते खतरे के चलते सरकार ने देश भर में लॉकडाउन को 17 मई तक बढ़ा दिया है। कोरोना वायरस की इस मुश्किल घड़ी में कोई भूखा न रहे, इस कड़ी में सभी समाजसेवी संस्थाएं काम कर रही हैं। वहीं कई लोग इस महामारी को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए भी कई तरह के अभियान चला रहे हैं। लेकिन देश भर में लगातार लॉकडाउन के चलते जानवरों के खाने की समस्या भी बढ़ने लगी है। ऐसे में खाने की तलाश में जानवर भी शहर की सड़कों की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसा ही एक नज़ारा इंदौर शहर के भवरकुआ थाने पर देखने को मिला। यहाँ पर बड़ी संख्या में बंदर थाने पर पहुंचे और इन बंदरों को खाने के लिए सभी आवश्यक सामग्री थाने के पुलिस स्टाफ ने मुहैया करवाई। यहाँ बंदरों में भी पूरी सहजता से पुलिसकर्मियों के हाथ से पानी भी पिया और फल भी खाया। लॉकडाउन में ये कुछ ऐसा नज़ारा दिखा जिसमें इंसान और जानवरों के बीच अनोखा रिश्ता दिखाई दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इंदौर शहर में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। इंदौर में कोरोना वायरस से संक्रमितों का आंकड़ा 1600 के पार जा चुका है। वहीं अब तक करीब 77 लोगों की मौत हो गई है। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.